लोकसभा चुनाव को देखते हुए भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया। कलेक्टर ने कहा, जब तक लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक सरकारी कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकते। कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? सर देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोगों की पूरी तैयारी हो रही है ताकि पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव हो, सभी लोगों की भागीदारी हो। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी गाइडलाइन रूल्स रेगुलेशन है उन सभी का पालन किया जा रहा है। अभी हम लोगों के यहाँ जो कॉल सेंटर है वो फंक्शनल हो गया है। वहां पे कोई मैनुअल फोन करके भी शिकायतें कर सकता है, सी विजिल ऐप के माध्यम से भी शिकायत कर सकता है, और 100 मिनट के अंदर जो हमारी एफएसटी टीमें हैं वो शिकायत को एड्रेस कर रही हैं। जिस दिन से आचार संहिता लगी, हमारी एफएसटी टीमें हर विधानसभा में तीन तीन फंक्शनल हो गई हैं, राउंड द क्लॉक 24 आवर, तो किसी भी प्रकार की शिकायत है उसको एंटरटेन करने के लिए। अभी इसके बाद में हम जिस दिन से हमारा नॉमिनेशन शुरू होगा उस दिन से हम लोगों के जो एसएसटी टीमें हैं, जो स्टैटिक सर्विलांस टीमें हैं, जो भी नाके हैं वहां पे भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम, वो सारी टीमें, अकाउंटिंग टीम, वो सारी टीमें हम लोगों ने जो है रेडी कर ली है। तो एक तो ये पार्ट है, आचार संहिता का पालन कराना, एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग कराना, लेवल प्लेइंग फील्ड देना, तो वो हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो नाम निर्देशन पत्र है जो यहाँ पे हमारे यहाँ कलेक्टर न्यायालय में लिए जाएंगे उसकी भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। उसको फैसिलिटेट करने के लिए भी हमारी पूरी टीमें रेडी हो गई, तो किसी को किसी प्रकार से दिक्कत ना आए वो भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। भोपाल के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि सभी लोग बढ़ चढ़ के मतदान करें, और जो 66% पिछले लोकसभा चुनाव का हमारा एवरेज मतदान प्रतिशत था उसको हम इस बार क्रॉस करके 70% मतदान तक हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ भोपाल कलेक्टर, जो बता रहे थे कि लगातार उन्होंने भोपाल के वासियों से लगातार मतदान करने की अपील करी है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लगातार पूरे